नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जी हां, काफ़ी सारे सवाल होते हैं मेरे पास में कि सर हमारी एक फैक्ट्री यहां पर है, दूसरी फैक्ट्री की लोकेशन थोड़ी दूर है, तो हम उस दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और कई लोग बोलते हैं कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है लेकिन कैमरा इतने ज़्यादा है तो बफर करते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि आप मॉल में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर केबल की लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर आप केबल ही ना खींच पाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली बन गया है। तो ऐसी जगह पर हम लोग कैसे सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर वहाँ के डेटा यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी, जिसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको जो उसका थ्रूपुट होता है वो काफी बढ़िया मिलता है। सो ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कैम्बियम नेटवर्क के बारे में और उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट आते हैं सीएन विजन के, ये जो दो प्रोडक्ट हैं मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। इस कंपनी ने 3-4 प्रोडक्ट और लॉन्च किए हैं, अलग अलग मॉडल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, 5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए, 10 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए, तो आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं कि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके अंदर साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। इसके बाद में एयर टू एयर जो डिस्टेंस होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करें, मतलब कि अगर आपको ये डिवाइस का सिलेक्शन करना है कि मैं कौन सी डिवाइस मंगवाऊं तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना होगा, और बाद में लास्ट में दिखाएंगे इसके अंदर कि जो इसका GUI इंटरफेस है वो इंटरफेस कैसा है और कैसे काम करता है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूं इंस्टाग्राम पर लाइव, जहां पर हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ में और इसी तरह के बहुत सारे सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन होती है। सो फॉलो करिए मुझे, मेरा आईडी है भरत_KJain इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे। सो पहले इन दोनों डिवाइस के बारे में समझते हैं कि ये डिवाइस क्या है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या हो गया कि एक ये डिवाइस और इसी की ऐसी एक दूसरी डिवाइस, अगर मैं इन दोनों डिवाइस को आमने सामने कर लूं और ये दोनों डिवाइस के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, अगर ऑब्स्टेकल आए तो मुझे इसकी हाइट बढ़ाऊं या फिर इसकी हाइट बढ़ाओ, मतलब ये एक दोनों को दिखते रहने चाहिए वायरलेसली, चाहे वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस का यूज किया जाता है, जहां पर आपको थ्रूपुट मतलब इन दोनों के बीच का जो ब्रिज बनता है उसके ऊपर आपको जो कितने डेटा आप ट्रैवल करवा सकते हैं उसकी बात करें तो वो भी कैसे कितना हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्लाइंट माइक्रो, ये जो डिवाइस। अब ये जो क्लाइंट माइक्रो है, ये अगर मैं दो डिवाइस लगा दूं, ठीक है, तो यहां पर मैं 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकता हूं, और अगर मैं यहां पर 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेट करूं तो वहां पर मुझे 150 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाएगी, 40 के ऊपर 300 और 80 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 600 की स्पीड मिल जाएगी। ओके, तो इतना थ्रूपुट हमें आराम से यहां पर मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि मुझे इसमें डाउनलिंक कितना रखना है, अपलिंक कितना रखना है, तो वो अलग अलग थोड़े से मैटर आते हैं। तो जब आप क्लाइंट को फाइनल करेंगे, आपको अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे और डिटेल में इस बारे में बात कर सकते हैं। सो पहले हम इन दो चीजों को लेते हैं, तो ये है हमारे पास में क्लाइंट माइक्रो और ये है हमारे पास में हब। अब ये हब है और ये माइक्रो है। अगर मुझे सिंगल सिंगल डिवाइस यूज करने हैं तो मैं ये वाले डिवाइस यूज करूंगा, दोनों मैंने लगा लिए। क्लाइंट माइक्रो आता है, मिनी आता है, फ्लेक्स आर आता है, और इसके अंदर ये जो दो डिवाइस आते हैं इसमें एक हब है और एक हब फ्लेक्स आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर मैं ये हब 360R में यूज करता हूं तो मैं इसके साथ में 32 इस तरह के क्लाइंट को कनेक्ट करवा सकता हूं। जी हाँ, मल्टीपल पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर का जो मॉडल है, जो फ्लेक्स आर है, उसके अंदर मैं 64 क्लाइंट को कनेक्ट कर सकता हूं। कैसे, ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ये जो डिवाइस है हमारा, ये जो हब है, ये 120 डिग्री के एंगल के अंदर आप 32 को लगा दीजिए क्लाइंट को, तो भी वो कैच कर लेगा। मतलब कि आप ये कहां पर लगाओगे, ये जो माइक्रो है वो आपको लगाना होगा जहां पर आपने कैमरा इंस्टॉल किया है,
और ये आप लगाओगे जहां पर आप NVR इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर अगर NVR भी इधर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जहां पर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो वहां पर आपको हब की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक सेंट्रल लोकेशन, और ये हमारे छोटे छोटे आपकी अलग अलग लोकेशन पे लग जाएंगे। तो इस तरह से आप आपकी जो कंप्लीट जो साइट्स हैं उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक चीज इसके अंदर और अच्छी मुझे जो लगी वो ये है कि अगर आपका जो डिस्टेंस है, आपकी जो साइट्स हैं वो आधे किलोमीटर के अंदर है, तो आप इसको 360 में भी यूज कर सकते हैं। सो काफी अच्छे ये प्रोडक्ट हैं। तो चलिए हम पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ कि कंपनी इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या देती है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास में जो रिव्यू यूनिट है कैम्बियम का CN Vision, ये है हब 360R, और एक है हमारे यहाँ पर हमारे पास में क्लाइंट माइक्रो CN Vision। तो चलिए हम थोड़ा सा फास्टली इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या निकल के हमारे पास में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है ये बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है CN Vision Hub 360R, 3 ईयर की वारंटी यहाँ पर कंपनी दे रही है, और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्रिएट रोबस्ट वायरलेस लिंक अप टू 500 Mbps, 50 फीट टू 5 मील्स। और फटाफट से बॉक्स इसको करते हैं हम थोड़ा सा इसको अनबॉक्स। तो जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो मिलता है इतना बड़ा सा एक ये यूनिट, बड़ी सी एक मैनुअल मिलती है हमको यहाँ पर। यहाँ पर है हमारे पास में POE, बॉक्स में मिलता है एक हमें केबल, डेटा केबल इसका POE का। ये है हमारे पास में एक कनेक्टर जो कि वाटर रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे केबल डालते हैं तो जो पानी है वो डिवाइस के अंदर नहीं जाएगा उसके लिए। और ये मिल जाती है हमें यहाँ पर, 2 क्लिप हैं जो हमें काम आएगी पाइप के ऊपर इसको लगाने के लिए आउटडोर में। सो अब लेते हैं हमारे पास में जो हमारा क्लाइंट माइक्रो, इसके ऊपर भी हमें 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है, वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर वीडियो सर्विलेंस, और क्लियर है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में डिवाइस है वो स्पेसिफिक वीडियो के लिए CCTV के लिए यूज़ होने वाली है। तो जो हब था उससे करीबन ये आधा है, सो इसको बोल सकते हैं माइक्रो। और इसके साथ में हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए एक छोटी सी मैनुअल है कैसे इसको हम आउटडोर में फिट करेंगे उसके बारे में। और सेम इसके साथ में भी हमें मिलता है यहाँ पर एक ये POE अडेप्टर, और उसके साथ में इसका ये केबल, और साथ में मिलता है हमें पोल पे लगाने के लिए एक ये मेटल की टाई है। सो ये तो हो गई हमारी अनबॉक्सिंग। अब मैंने आपको बोला था कि हम कैसे एयर टू एयर डिस्टेंस देख सकते हैं कि मतलब जो मेरा यहाँ पर लोकेशन ए है और ये जो लोकेशन बी है, मतलब ये दोनों बिल्डिंग है, उन दोनों बिल्डिंग के बीच में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, या फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो कैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ जहां पर मैं आपको बताऊंगा गूगल मैप के थ्रू कि कैसे हम इस तरह के एयर डिस्टेंस का माप सकते हैं। यहां पर हमें जाना होगा गूगल क्रोम में, हम इसको ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को, और हमें ओपन करना है गूगल मैप। गूगल मैप को ओपन करने के बाद में यहां पर आपको सीधा चले जाना है सैटेलाइट व्यूज के अंदर, तो आपको जो सैटेलाइट इमेज है वो आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर आपकी जो साइट है आपको वो देख लेनी है कि आप कहाँ से कहाँ तक का लिंक बनाना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पर अपना लिंक क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक और मेजर डिस्टेंस के अंदर मैं जाऊँगा। यहाँ पर मैंने मेजर डिस्टेंस डाल दिया, और जो मेरी जो दूसरी साइट है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ कि वो कौन सी है, यहाँ से लेके, और मेरी जो दूसरी साइट है वो यहाँ पर है। तो करीबन ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस आ रहा है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मुझे एयर डिस्टेंस जो मिला है वो करीबन 375 मीटर, 375 मीटर मुझे मिला है, जो करीबन 500 मीटर के आसपास का होता है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, यहाँ पर जो मेरी फैक्ट्री साइट है, तो यहाँ पर मेरा लगने वाला है क्लाइंट माइक्रो, और यहाँ पर मेरा लगेगा हब। तो चलिए अब चलते हैं, हमें ये सब चीजें पता चल गई। और यहाँ पर जब गूगल मैप में हम इस तरह का सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो वहां पर हमें ये भी पता चलता है कि हमारे लाइन ऑफ साइट क्लियर है या नहीं है, मतलब इन दोनों डिवाइस के बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं आ रही, तो ये भी हमें यहाँ पर पता चल जाता है। सो चलिए चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। क्लाइंट माइक्रो के साथ में आपको मिलेगी कुछ इस तरह से, ये फिटिंग करने के लिए क्लैंप मिलेगा, और ये क्लाइंट माइक्रो है, यहाँ पर आपके पास में पोल है, आपको सिंपल सा यहाँ पर इसको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ये आएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको कस देना है।
तो हमने इसको यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लिया है, और इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप आपका हब लगाने वाले हैं वो डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों एक तरफ एक दूसरे को देखते रहें। इसको यहाँ से आपने सीधा ओपन किया, ये आपने केबल लिया और केबल को आपको नीचे की साइड में लगा देना है कुछ इस तरह से। ये केबल लग गया और ये हो गया हमारा काम जो है वो रेडी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्लाइंट जो माइक्रो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कनेक्टिविटी, आपके कनेक्शंस कैसे होने चाहिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर नीचे, ऊपर का हमारा जो सेट है वो हो गया है। ये है हमारा POE और ये POE को मैंने कनेक्ट कर लिया है। मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में आ गई है यहाँ पर लाइट। यहाँ पर मुझे दो टाइप के पोर्ट मिल रहे हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है 15 वॉट और 30 वॉट गीगाबिट डेटा प्लस पावर, और दूसरा है यहाँ पर गीगाबिट डेटा। तो हमें जो ऊपर से मेरा जो ये ग्रे कलर का केबल आया हुआ है, ठीक है, ये वाला केबल है हमारा, तो ये केबल जो है वो मेरा जाएगा 15 वॉट जो है गीगाबिट डेटा प्लस पावर के अंदर, ताकि जो हमारी डिवाइस है उसको मिल जाता है यहाँ से पावर। तो अब यहाँ से डिवाइस को ऊपर पावर मिल रहा है और वो ऑन हो गई है। और जो दूसरा मुझे कनेक्ट करना है मेरे यहाँ पर नेटवर्क में, जो राउटर या फिर स्विच के अंदर मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ, वो हो गया हमारा ये वाला केबल। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर सिंपल सा, मेरे पास में यहाँ पर एक कैमरा पड़ा हुआ है, तो मैं जैसे बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, ये मेरा कैमरा हो गया IP। और मैं डायरेक्टली अगर सिंगल कैमरा है या फिर ऐसा कुछ है तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी अटैच कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर डाला है तो ये हमारा POE नहीं है, ये डेटा ओनली फॉर डेटा के लिए है, ठीक है। अगर मैं कैमरा अटैच करना चाहता हूँ विद POE का, तो मुझे POE स्विच के अंदर ये मुझे डालना पड़ेगा और POE स्विच से जो निकलेगा वो मेरा इसके अंदर जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पर। और इसी तरह से जो मेरी जो ऑफिस वाली जो साइट है वहाँ पर मुझे हब लगाना है, तो वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही होने वाला है। अब चलिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि वहाँ पर हमारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे। सो अभी हमने हमारा जो सेटअप था वो रेडी कर लिया है, और इसके लिए फिर अभी हमें जाना है यहाँ पर गूगल क्रोम में। और गूगल क्रोम में अभी हम सबसे पहले ओपन करते हैं, अभी हम जहाँ पर हमने हब इंस्टॉल किया है। सो मैं पहले हब में चेक कर लेता हूँ, मेरा जो हब का IP है वो है 192.168.1.120। सो यहाँ पर हमारा जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो है एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड भी है मेरा एडमिन, देन लॉगिन। सो यहाँ पर अभी मेरा हब आ गया है और मैंने पहले से ही इसको पास में रख के कॉन्फ़िगर कर लिया था। और यहाँ पर है हमारे पास में क्लाइंट, तो मैं भी आपको सब चीज़ें एक साथ में बता देता हूँ। क्लाइंट का हमारे पास में जो IP है वो हमने रखा है 1.1। सो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा हब है। तो हब जहाँ पर मेरा लगा हुआ है वो मेरी जो ऑफिस है, ऑफिस साइड है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। और ये देखिए, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है पूरा का पूरा एक स्क्रीन स्टेटस, जहाँ पर हमें मिलता है डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड क्या है। सो यहाँ पर बहुत ही कम वेरिएशन बता रहा है। ये वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं अभी तक इसमें से कोई भी डेटा क्लाइंट के यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो बहुत ही सिर्फ कनेक्टिविटी के जो डेटा है वही है यहाँ पर। और दूसरा हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि इसके अंदर जो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ CNVision की लगी, कि CNVision जो ब्रांड है उसके अंदर हमें डायरेक्ट कैमराज यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ कैमरे के अंदर ऑनविफ जो होता है उसको इनेबल करना है, और इसके बाद में आपके क्लाइंट पर जहाँ पर भी आपने क्लाइंट इंस्टॉल किया है वहाँ पर आपके कितने कैमराज है वो सब इसी GUI के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है इस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर कि जहाँ पर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोटली बैठकर आप देख सकते हैं कि जितने भी IP कैमराज हैं वो एक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि मैंने 3 IP कैमराज इंस्टॉल किए हैं। सो हम यहाँ पर ये एक IP कैमरा को ओपन करते हैं और मैं उसका यूज़र ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो कैमरा है वो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के देख पा रहा हूँ इजीली। सो दैट्स ग्रेट कि मैं यहीं से बैठ के अपने जो कैमरे की ट्रबल शूटिंग्स हैं, ऑन है ऑफ है, वो मैं कर सकता हूँ। रिबूट कर सकता हूँ मैं कैमरे को, अगर मुझे रिबूट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। और ये है हमारे कैमराज की कुछ डिटेल्स, ठीक है।
और यहाँ पर हम स्टेटस में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो मेरा डिवाइस है वो मेरा हब है, कौन सी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग की चैनल बैंडविड्थ क्या है, कितने एंटीना, कितने गेन का एंटीना इसमें लगा हुआ है 8 dBi, और क्या आप टाइम है, इच एंड एवरीथिंग। सो ये जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आप जाके भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। नेटवर्क के बारे में कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है, मॉनिटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, थ्रूपुट चार्ट, वायरलेस सिस्टम्स। और एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप VMS अगर आप यूज़ करते हैं तो VMS इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, जस्ट आपको इनेबल करना है, और यहाँ पर आप 4 तरह के VMS इसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो कैमराज हैं वो कितनी बैंडविड्थ लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्लाइंट देखते हैं तो आपको बहुत ही कम डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए अभी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यहाँ पर चेक करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये मैंने ओपन किया इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मैं रिमोट लोकेशन पे मैं कैमरा को एक्सेस करता हूँ। मेरा कैमरे का जो आईपी है वो है 213, इसको ओपन करते हैं। सो ये मैंने जो मेरा बाहर का जो कैमरा है वो मैंने एक्सेस किया है, ये आप जस्ट देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये जो बाहर का कैमरा है वो मेरा हिकविजन का 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यहाँ पर जो बैंडविड्थ यूज़ हो रही है जो आप देख पा रहे हैं ये बैंडविड्थ है, और ये हम लोग 1.3 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 1.4 Mbps के डेटा यहाँ पर कंजम हो रहा है। अब चलिए मैं आपको दूसरा जो मेरा कैमरा है उसको मैं एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। वो हमारा 2 मेगापिक्सल का हिकविजन का कैमरा है विथ ऑडियो वाला, यानी क्यूब कैमरा है। मैं उसको ऑपरेट करता हूँ तो आपको क्लियर यहाँ पर पता चलेगा कि आप कितनी बैंडविड्थ, कौन सा कैमरा कितनी बैंडविड्थ ले रहा है, कितने डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना थ्रूपुट है, इच एंड एवरीथिंग। और ये हमने यहाँ पर शुरू किया, हमारा 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसको हमने यहाँ पर शुरू कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर सीधी बैंडविड्थ जो हो गई है, जो हमारा हो गया है जो डेटा कंजप्शन से जो अपलोड स्पीड है, ठीक है, वो हो गई है 4.80 Mbps। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड है, ये अपलोड है, तो जो क्लाइंट के वहाँ पे बताएगा आपको ये सब चीज़ें आपको इस तरह से बता दी जाएगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, और यही था आज के इस वीडियो के अंदर। सो आप लोगों को ये ज़रूर पता लग गया होगा कि किस तरह से हम लोग एक ब्रिज टू ब्रिज कनेक्शन बना सकते हैं। उसके अंदर GUI के अंदर जो फीचर्स है वो मुझे काफ़ी इसके अंदर इम्प्रेसिव लगे, काफ़ी अच्छा मुझे ये डिवाइस लगा, काफ़ी इजी है GUI इसका, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है। और इसके अंदर जो मॉनिटर के फीचर्स, एवरीथिंग इज़ मुझे इस डिवाइस के अंदर सब कुछ अच्छा लगा। आई थिंक आई वॉन्ट टू गिव द 10 out of 10 नंबर टू दिस गाइस। सो अभी आपके दिमाग के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं, और मुझे इस डिवाइस के बारे में अगर और डिटेल में जानना हो तो मैं कैसे जान सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ के जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिंक दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जाइए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपको आज का हमारा जो वीडियो है थोड़ा बड़ा वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी वीडियोज बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा और डीपली इन सब चीज़ों के अंदर ले जाऊँ, तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं जहां पर लोग इस तरह के नेटवर्क के साथ में जुड़े हैं, इस तरह के बिजनेस के साथ में जुड़े हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए गैजेट्स, नई चीज़ों को, नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।